जय हिंद दोस्तों, आपका अपना चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। सो, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जोमेटो आईपीओ के ऊपर, जो कि यहाँ पे कल ओपन होते हुए हमको देखने को मिल जाए। लेकिन उसके ओपन से पहले यहाँ पे प्री बुकिंग यहाँ पे हमको देखने को मिली थी ये आईपीओ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे प्री बुकिंग हमको यहाँ पे देखने को मिल रही थी इस आईपीओ में, जिसमें अगर बात करें तो ग्रो ऐप में ऐसी चीज़ मैंने देखा था, एंड वहीं पे पेटीएम मनी की अगर यहाँ पर बात करें तो वहाँ पर ये सुविधा हमको देखने को मिला था, जिससे कि आप यहाँ पे जोमेटो आईपीओ को पहले ही यहाँ पे बुक करके चल सकते हैं। देखिए, मेरे नॉलेज में यही है कि ग्रो ऐप एंड पेटीएम मनी में हमको देखने को मिला। इसके अलावा भी अगर और ऐप दे रहे ऐसी सुविधा तो वो मुझे नहीं मालूम, जो मुझे मालूम है सिर्फ मैं वही बातें यहां पे करता हूं। देन यहां पे हम देखने वाले हैं आज का यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम, एंड उससे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि दोस्तों कि इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको हमारी वीडियो जरूर पूरी देखना चाहिए, जिससे कि यहां पे आपका पैसा सेफ हो सके। दोस्तों, यहां पर आपको मालूम होना चाहिए, आप खुद भी जानते हैं कि यहां पे हम जब भी किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे हम ऐसा सोचते हैं कि यहां पे हमारा पैसा डबल हो सके, शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट हमको दे सके। इस तरह के थिंकिंग साथ यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, जिसमें रिस्क भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर नीचे होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा पैसा वहाँ पे फंसते हुए भी देखने को मिल जाएगा। देन वहीं पे ये चीजें अभी अगर यहाँ पे अगर इनका आज का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ हिंट यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रहा है, जिसको यहाँ पे आपको जरूर देखना चाहिए। सो यहाँ पर हम सीधा आईपीओ के टाइम टेबल के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14-16 यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट देखने को मिले, मतलब 14 तारीख को यहाँ पे ओपन हो गया, 3 दिन तक ये आईपीओ यहाँ पे ओपन होते हुए देखने को मिल जा रही है। 22 तारीख की बात करें तो अलॉटमेंट डेट आपको देखने को मिल रही है, जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं होगा उनको पैसा रिफंड हो जाएगा 23 तारीख को, एंड वहीं पर जिन लोगों का अलॉटमेंट हुआ होगा उनको डीमेट अकाउंट में शो करेगा दोस्तों 26 तारीख को, एंड 27 तारीख को यहाँ पे हमको इस कंपनी का लिस्टिंग डेट यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है। तो देखा जाए ओवरऑल या जो आईपीओ है वो 14 दिन का यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रहा है। देन वहीं पे अगर हम यहाँ पे आईपीओ डिटेल देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इशू टाइप है वो बुक बिल्ड इशू आईपीओ देखने को मिला है, फेस वैल्यू ₹1, एंड आईपीओ प्राइस की बात करें 7272-76 रुपये यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रहा है। मार्केट डिलर 195, जिसमें मिनिमम ऑर्डर की बात करें तो 195 शेयर यहाँ पे आपको हर हाल में यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। देन यहाँ पे लिस्टिंग की बात करें तो BSE NSE दोनों पे यहाँ पे लिस्ट होने जा रही है। देन इशू साइज की बात करें तो 9375 करोड़ यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रहा है, जिसमें अगर बात करें तो ऑफर फॉर सेल आपको 375 करोड़ का देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पे फ्रेश इशू जो है वो 9000 करोड़ का यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रहा है। देन वहीं पे अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो मिनिमम आपको यहाँ पे 1 लॉट लेना होगा, जिसमें आपको 195 शेयर्स मिलेंगे, जिसके लिए आपको 14,820 रुपये यहाँ पे करना होगा। वहीं अगर आप रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम लॉट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 13 लॉट मैक्सिमम मिल सकते हैं, एंड वहीं जिसके जगह पे आपको 2,535 शेयर्स मिलेंगे, जिसमें आपको 1,92,660 रुपये यहाँ पे करना पड़ जाएगा। सो, यहाँ पर अब हम इस कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं। तो इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कौन नहीं जानता दोस्तों, शायद कोई ऐसा बंदा होगा जो इस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे ना जानता हो। तो अगर नहीं जानते हो तो भी बता दें कि फूड डिलीवरी से रिलेटेड यहाँ पे ये कंपनी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ऑनलाइन यहाँ पे इनकी आपको कोई भी कुछ भी खाना हो दोस्तों, तो यहाँ पे ऑनलाइन होटल्स द्वारा यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं अपने मन चाहे पसंदीदा होटल्स के साथ, यहाँ पे आपको ये कंपनी ऑर्डर लेती है, देन वहाँ पे आपको डिलीवर कर देती है, घर बैठे ही आपको यहाँ पे खाना पहुँचा देती है। सो, अब हम सीधा बिजनेस में ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा कंपनी के फाइनेंशियल पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के में आप देखिए कि इस कंपनी का जो बिजनेस है, आप देखिए एसेट्स बढ़ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। रेवेन्यू देखिए 19 में तो बढ़ा, लेकिन 20 में और बढ़ा, 21 में देखिए घट गया। देन प्रॉफिट बात करें, क्योंकि प्रॉफिट अगर बात करें तो कंपनी का मेन पार्ट होता है, जो कि आप देखिए पहले भी माइनस में था, उसके बाद और अधिक माइनस में हुआ, अभी की बातें करें तो 21 में तो थोड़ा कम माइनस में देखने को मिला, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पे माइनस में ही देखने को मिल जा रहा है, जिस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे हमको अच्छा देखने को नहीं मिल जा रही है। सो, ये तो हो गई पहली यहाँ पे निगेटिव पॉइंट की बातें दोस्तों। देन यहाँ पे अब हम चलते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम पर। सो, अभी हम यहाँ पे जोमेटो के आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर आ गए हैं। देखिए आप 13 जुलाई का इनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 10 रुपये ही आपको देखने को मिल जा रहा है, लेकिन पहले अगर यहाँ पर बातें करो तो आप देखिए 8, 9, 10 तारीख को, 11 तारीख को यहाँ पे जो इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो सीधा यहाँ पे 16 ही हमको यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि इनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 12 और 13 को लगातार अच्छे खासे यहाँ पे इनके ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमको गिरावट देखने को मिली है। 12 तारीख को आप देखिए 3 रुपये में गिरावट हुई, लेकिन इसके लिए एक बड़ी गिरावट देखने को मिल जा रही है।
देन वहीं पे 13 जुलाई का जो लेटेस्ट यहाँ पे गिरे मार्केट प्रीमियम वो मात्र 10 रुपया है हमको देखने को मिल जा रहा है। देन वहीं पे अगर इनके आईपीओ प्राइस की बातें करें तो 76 एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 रुपया, मतलब मोटी मोटा भी कह दे तो करीब करीब 15% के यहाँ पे हमको गिरे मार्केट प्रीमियम अवधि देखने को यहाँ पे मिल जा रही। तो केवल हम 15% के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। एंड दूसरी बात ये दोस्तों कि मार्केट अगर मान लीजिए मार्केट में हम लोग एक तो यहाँ पे आईपीओ में हम लोग यहाँ पे बड़ी रिस्क लेते हुए देखने को मिल जाते हैं, देन वहीं पे केवल 15% का यहाँ पे गिरे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला, जो कि ये नहीं कह सकते कि खराब है, खराब नहीं, अच्छा है गिरे मार्केट प्रीमियम 15%। लेकिन कहने का मतलब ये दोस्तों कि यहाँ पे जो कंपनी का डाटा है, मान लीजिए अगर कंपनी में कुछ ऊंच नीच हो जाती है लिस्टिंग डेट के नीचे तक, अगर यहाँ पे मार्केट हमारा डाउन हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि आप इस कंपनी में यहाँ पे फंस सकते हो। जी हाँ, यही एक रिस्क यहाँ पे इस कंपनी में देखने को मिल जा रही है। ओवरऑल अगर बातें करें तो अभी कंपनी लिस्ट होती है तो यहाँ पे 15% का आपको प्रॉफिट हो सकता है। देन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की बातें करें कि ये कंपनी कहाँ तक लिस्ट हो सकती है, दोस्तों मुझे लगता है कि ये कंपनी आपको मैक्सिमम यहाँ पे 25% से ज़्यादा की लिस्टिंग यहाँ पे नहीं दिखा सकती। तो 25% भी अच्छी खासी लिस्टिंग यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है। एंड वहीं पे अगर मार्केट खराब देखने को मिला तो आप समझ सकते हैं कि डिस्काउंट में भी ये कंपनी यहाँ पे लिस्ट हो सकती है। तो इस चीज़ को यहाँ पे आपको मैं जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो अब इसके बाद यहाँ पर आप जरूर फैसला लें कि आपको यह आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम वो काफ़ी तेज़ी से गिरावट में ही देखने को हमको मिल जा रही है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें, पैसा आपका है दोस्तों, मर्जी भी आपके, तो सोच समझ के इस आईपीओ में यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आगे जाएं। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा जिससे कि और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।